वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैच के दौरान फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगे। जी हां दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच वर्ल्ड कप 2023 के मैच के दौरान मंगलवार को कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियम के अंदर एक शख्स फिलिस्तीन का झंडा लहराता नजर आया। ईडन गार्डन स्टेडियम की गैलरी में शख्स फिलिस्तीन का झंडा खुली आम लेकर खड़ा था। दोस्तों जानकारी के मुताबिक कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियम के अंदर बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान मैच के दौरान 3 से 4 लोग मिलकर फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। बता दें कि पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप 2023 में हार का चौका लगाने के बाद आखिरकार पहली जीत का स्वाद चखा। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन के मैच पर खेले गए वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से मात दी थी। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियम के अंदर कड़ी सुरक्षा के बीच इस तरह का घटना हर किसी को हैरान कर रही है। हमास इजराइल युद्ध का असर भारत की मेजबानी में जारी आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 टूर्नामेंट तक पहुंच गया है। इस मामले के बाद विवाद काफी बढ़ गया है। ईडन गार्डन के इस ब्लॉग में बांग्लादेश की पारी के दौरान 3 से 4 लोग मिलकर फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे। इस नजारे ने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। इन 3 से 4 लोगों को कुछ दर्शकों और पुलिस कर्मियों ने देखा। इस घटना के तुरंत बाद 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 मैच के दौरान विवाद खड़ा कर दिया था। श्रीलंका के खिलाफ 10 अक्टूबर को खेले गए वर्ल्ड कप मुकाबले में मोहम्मद रिजवान ने मैच विनिंग शतक लगाया था। मोहम्मद रिजवान ने अपने इस शतक को गाजा के लोगों के लिए समर्पित कर दिया है, क्योंकि दोस्तों इनका ईमान बोलता है और ईमान वही बोलता है जो ये लोग कर रहे हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।